शासन के निर्देश पर शुक्रवार की रात्रि 10 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक लागू साप्ताहिक बंदी के तहत शनिवार को महानगर की दुकानें बंद रहीं, लेकिन सड़कों पर लोगों का आवागमन जारी रहा। साप्ताहिक बंदी के दौरान GDA टावर रोड, सिटी मॉल रोड, यूनिवर्सिटी चौराहा, मोहद्दीपुर रोड, विश्वविद्यालय रोड तथा RTO तिराहे पर पुलिस वाहनों का चेकिंग कर साप्ताहिक बंदी का पालन कराते नजर आई। इसके अलावा रात्रि में भी नाइट कर्फ्यू का असर दिखा, जिसके संबंध में SP सिटी सोनम कुमार ने बताया कि वीकेंड लॉकडाउन के पालन के लिए जगह जगह बैरियर पॉइंट बनाए गए हैं और सभी CO SHO की ड्यूटी लगाई गई है। इस दौरान अगर कोई बेवजह बाहर निकल रहा है, लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहा है, तो उसके ऊपर विधिक कार्रवाई किया जा रहा है। SP सिटी ने कहा कि तीसरी लहर आने की संभावना है, इसलिए सावधानी बरतना सभी का कर्तव्य है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP सिटी सोनम कुमार ने कहा, समय क्या हो रहा है? 12 निकल जा रहा काम मत करो अपना, चाहे उन्हें हेलमेट लगा के जाओ, मतलब काम नहीं करने का, आपका ड्यूटी है तो आपका ड्यूटी करेंगे। देखिए, वीकेंड लॉकडाउन के पालन के लिए बैरियर पॉइंट्स बनाए गए हैं जगह जगह। सभी SHO, CO, चौकी इंचार्ज और सब इंस्पेक्टर्स को निकाला गया है और वो लोग लोगों में जागरूकता भी बना रहे हैं। अगर कोई बेवजह बाहर निकल रहा है और इसका पालन नहीं कर रहा है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसमें गाड़ियों के सीजर की भी कार्रवाई की जा रही है। देखिए, जो अनावश्यक घूम रहे हैं उनको समझाया जा रहा है कि तीसरी लहर कभी भी आ सकती है, इसलिए सावधानी बरतना उनका भी कर्तव्य है, हमारा भी कर्तव्य है। मास्क का प्रयोग करते रहें, सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें और जो भी नियम बताए जा रहे हैं लॉकडाउन के, उनका पालन करते रहें।